नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामेन टेक बैंकिंग YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने YouTube चैनल में लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। जैसा कि हम सभी CSP ऑपरेटर जानते हैं, लगातार हमारे CSP ऑपरेटर CSP पोर्टल पर आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। कुछ नई सर्विसों को ऐड किया जाता है, कुछ सर्विस को वहाँ से हटाया जाता है। इसी तरीके से काफ़ी सारे कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। अभी एक दो दिन से लॉगिन प्रॉब्लम भी आ रही है, तो इस तरीके से समस्याएं बनी रहती हैं, उनका निदान भी होता है, आती भी हैं, जाती भी हैं। इसी क्रम में जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, AEPS पे काफ़ी सारा काम चल रहा था और अभी तक जितने भी अपडेट हुए AEPS पे वो सारे बैड ही हुए। मतलब कि CSP ऑपरेटर के लिए वो एक तरीके से बैड न्यूज़ थे, बैड अपडेट थे, और जो हमारे AEPS के कस्टमर हैं अदर बैंक के, उनके लिए भी एक बैड अपडेट था। लेकिन आज के दिन, मतलब अभी मैंने देखा है, आज मैंने अपने सिस्टम पर चेक किया, तो बहुत ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि जो हमारे पिछले जो बैंकों को हटा दिया गया था, जैसे कि मैंने कुछ बैंकों को पहले भी वीडियो में बताया था, जैसे आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया और यूको बैंक हो गया। इन चार बैंकों का मैंने पहले ही बताया था, इन चार बैंकों को पहले हमारे CSP पोर्टल के AEPS सिस्टम से हटा दिया गया था। हमारे जो भी इनके कस्टमर थे, उनका हम कोई भी सर्विस नहीं दे पा रहे थे, ना उनका हम विड्रॉल कर पा रहे थे ना बैलेंस, क्योंकि जब उनके सिस्टम पे हमारे था ही नहीं, तो उनको सर्विस कहाँ से दे पाते। तो काफ़ी दिनों से ये परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से इन चार बैंकों का काम, बल्कि और भी बैंकें ऐसी हैं जिनको का जिसका अपने सिस्टम पर हटा दिया और जिनका काम नहीं हो पा रहा है, तो अभी मैं उनका मैंने क्लियर नहीं कर पाया हूँ। और जैसे ही उन बैंकों का भी क्लियर होता है कि कौन कौन सी बैंक हमारे आ चुकी हैं, वो हमारे सिस्टम पर आ रही हैं, वो भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो अभी फ़िलहाल जो चार बैंकों को ऐड कर दिया गया है दोबारा से हमारे स्टेट बैंक के CSP पोर्टल के AEPS सिस्टम पे, वो कौन कौन सी बैंक हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, यूको बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब इन चार बैंकों की सर्विस बहाल कर दी गई है। दोबारा फिर से आप एक बार चेक करेंगे अपने AEPS सर्विस पे जाके, तो वहाँ पे आपको ये चारों बैंकें देखने को मिल जाएंगी और इनकी सर्विस आप इनके कस्टमर को दे पाएंगे। तो एक ही बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छा अपडेट है AEPS सर्विस का, जिससे कि CSP ऑपरेटर को काफ़ी जो प्रॉब्लम होती थी इन कस्टमर के पैसा निकालने में, वो अब दिक्कत नहीं होगी। तो एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।